दूसरी तरफ देखिए, आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद, जहां से हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ रही है। भावना देखिए, ढुल्लू महतो प्रत्याशी हैं धनबाद से इस बार और सीधा मंदिर पहुंचे हैं भगवान की पूजा अर्चना करने। भावना, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो देखिए, धनबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं डुल्लू महतो, जो कि मां के प्रांगण में पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने को लेकर। सुबह होते ही ये चुनाव प्रचार में जुट जा रहे हैं और ऐसे में इस बार जीत का दावा धनबाद सीट से इन्होंने किया है और अपनी पत्नी के साथ वो पहले चरण से प्रचार से पहले भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां वे पूजा अर्चना करते हुए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। धनबाद से, धनबाद के राम मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर धनबाद से प्रत्याशी इस बार एनडीए के ढुल्लू महतो, जिन पर इस बार पार्टी ने भरोसा जताया है, धनबाद सीट से इन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया और इस बार जीत का दावा करते हुए ढुल्लू महतो। और देखिए, प्रचार से पहले भगवान के मंदिर में पहुंचे हैं और यहां आशीर्वाद भगवान के और उसके बाद जनता का आशीर्वाद लेने प्रचार करने सड़कों पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं धनबाद के राम मंदिर से, जहां पर ढुल्लू महतो अपनी पत्नी के साथ मां के दरबार में राम मंदिर की इस धरती पर पहुंचे हैं। भावना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? भावना से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन फिलहाल आप ये बाघमारा की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां राम मंदिर में पहुंचे हैं धनबाद लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी ढुल्लू महतो अपनी पत्नी के साथ। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में तमाम उम्मीदवार दमखम के साथ चुनावी मैदान में, ये राम मंदिर बेहद खूबसूरत और इस राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। धनबाद लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी ढुल्लू महतो, जिन पर इस बार एनडीए ने भरोसा जताया है, बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और अब प्रचार से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने ये राम मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। जीत का दावा है और मूल मंत्र लगातार दिग्गज भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी थी कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने और वोट की अपील करने को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो झारखंड की धरती पर भी पहुंचेंगे। उनमें से सबसे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम सामने है। मई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री भी झारखंड पहुंच सकते हैं और अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील कर सकते हैं। इन सबके बीच गृहमंत्री अमित शाह के भी आगमन को लेकर चर्चाएं हैं कि वो भी झारखंड की धरती पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में उम्मीदवारों की जीत की पूरी कोशिश और पूरी तैयारियां शीर्ष नेताओं की ओर से, और ये तस्वीरें आप बाघमारा के राम मंदिर की देख रहे हैं, जहां पर धनबाद लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी ढुल्लू महतो पहुंचे हुए। भावना तक मेरी आवाज अब पहुंच रही होगी। भावना, ढुल्लू महतो अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पहुंचे और देखिए, प्रचार से पहले भगवान का आशीर्वाद और इसके बाद जनता का आशीर्वाद।
बिल्कुल सुष्मिता, आपके लिए बता दूं मैं, क्योंकि चुनाव का बिगुल है और ऐसे में जरूरत है कि ईश्वर के आगे मत्था टेका जाए। और जितने भी बड़े तमाम नेता है वो इस वक्त भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्योंकि मतदान का वक्त जो है करीब है और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। और क्योंकि इस समय मंदिर में मौजूद हूँ, राम मंदिर एक तरफ अगर आप बात करें तो अयोध्या में भी है, तो दूसरा बागमारा में जो है कहते हैं कि डुल्लू महतो ने मंदिर का जो है जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि ये जो मंदिर का आधार था वो पहले था लेकिन वक्त के साथ इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ। फिलहाल मैं आगे की तरफ चाहूंगी, कैमरामैन से थोड़ा सा फोकस करें और चले। यहाँ पर इस वक्त जो है डुल्लू महतो जो कि भाजपा के प्रत्याशी है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, वो यहाँ पर आए हैं पूजा करने के लिए अपनी धर्म पत्नी के साथ। और वो तस्वीरें में मैं अपने जो दर्शक है उनको दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन को चाहूंगी कि थोड़ा सा जल्दी से आगे की तरफ आए और वो तस्वीरें भी आपको दिखाए। और ये तस्वीरें भी आप देखिए कि डुल्लू महतो पहुंचे हुए हैं, अभी भगवान राम के तो दर्शन हो गए हैं और शिव को भी याद किया जा रहा है। कहते हैं कि राम यानी कि भगवान विष्णु, विष्णु के ही सातवें अवतार माने जाते हैं भगवान श्री राम, और ऐसे में उनके दर्शन वो इस वक्त कर रहे हैं यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ। और चाहूंगी कैमरामैन से कि तस्वीरें आपको दिखाए, थोड़ा सा नजदीक से आगे की तरफ आए और देखिए वो अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव के भी दर्शन किए यहाँ पे उन्होंने, माँ पार्वती के भी, और इसके साथ जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको कन्हैया और राधा रानी के दर्शन होंगे और आगे बढ़ते समय जो है राम सीता के दर्शन होंगे और फिर यहाँ पे शिव भगवान की जो मूर्ति है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करके जो है यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही ये जो अभी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ये बागमारा के राम मंदिर की, थोड़ा सा वो आगे जा रहे हैं दर्शन करके आते हैं, फिर हम अपने दर्शकों के साथ उनको जोड़ेंगे और समझेंगे कि बागमारा से तो जनता ने उन्हें 3 बार मौका दिया विधायक बनने का, लेकिन धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जनता का मिजाज क्या है। क्योंकि अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है, ऐसे में किसका ज्यादा इफेक्ट है उसको लेकर भी चर्चा होगी। जुड़े रहे दर्शक हमारे साथ थोड़ी देर में, दर्शकों को फिर से जो यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी है धनबाद लोकसभा क्षेत्र से उनसे जोड़ते हैं। बिल्कुल भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं डुल्लू महतो, पहली बार लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। भागमारा से 3 बार पार्टी ने इन्हें जीत हासिल कराई है और अब वापस से इस बार चुनाव में, लेकिन चुनाव अलग विधानसभा नहीं लोकसभा में जीत आजमाने की ये कोशिश डुल्लू महतो की ओर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।